पहला हिट 9 बुलेट कवाली के, चेल्सी नंबर 16। प्रवीण लकड़ा और सामने है गोलकीपर सनी किंगरवा को गोल क्लब की। थोड़े बदकिस्मत रहे प्रवीण, गेंद सीधे गोल बाग में जाकर लगी गोल पोस्ट में। अगली बारी जर्सी नंबर 10 सचिन घरवाल के फिलदौस, सामने है गोलकीपर अंकित। बहुत ही लाजवाब, कोई मौका नहीं अंकित के पास, थोड़ा पहले जगह दिखा दिए। नाइन बुलेट क्लब के लिए अगली किक लेंगे पवन यादव, जर्सी नंबर 5 और सामने है गोलकीपर सनी एफसी किंगरवा के। बहुत ही बेहतरीन गोल, बहुत तेज प्रहार। प्रगति ऑटोमोबाइल्स और मामा स्पोर्टिंग दोनों ही टीमें मैदान में प्रवेश करें। दोनों ही टीमों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, प्रगति ऑटोमोबाइल्स और मामा स्पोर्टिंग, फिर से एक बार दाहिनी छोर पर चले गए अंकित। और यहां टीम प्रबंधन ने सब्स्टिट्यूट किया है गोलकीपर के साथ, शायद पेनाल्टी स्पेशलिस्ट हो, टीम ने भरोसा जताया है गोलकीपर अमन पर। और फिलहाल बारी ठीक की जर्सी नंबर 10 9 बुलेट क्लब के रिचमन, और यहां लाजवाब बचा गोलकीपर सनी की।
और यहाँ परिवर्तित गोलकीपर के रूप में रिचमुंड और सिंघर वापसी के लिए किक करने आए हैं सुबोध। अनुभवी खिलाड़ी कोई मौका नहीं ईश्वर के पास, कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद तब तक गोल जाल से जा लगी थी। और अगले किक के लिए गत वर्ष के हीरो रहे इस मैदान के हर्षित बाला बैंगलोर क्लब की ओर से बैठे बैठे हिंदू फिर से एक बार गर्वा की किक करने की जर्सी नंबर 12 में आए हैं दीपक कच्छप और सामने है परिवर्तित गोलकीपर अमन। और इसके साथ ही एक्सिटिंग गर्वा अगले चरण में प्रवेश पाते हुए टाई ब्रेकर में उन्होंने मेजबान नाइन बुलेट क्लब ए को पराजित किया और दूसरे स्थान में प्रवेश पाया।